सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। 22 में बदलाव होना तय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया है, जनता इस बार इनके खिलाफ मतदान करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। कोमल समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं अनकट। और आज भी बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के बीच कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, पर्दे के पीछे कोई समझौता हो गया है। इसके तीन बड़े कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे दूसरा एक सवाल है कि जब से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुई है, तब से बीजेपी ने लव जिहाद की बात करना बंद कर दिया। बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, कोई भी लव जिहाद की बात नहीं करता। तो आखिर ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इसका प्रियंका गांधी की महिला राजनीति से कोई लेना देना है और इनडायरेक्ट वे में अखिलेश यादव से कोई लेना देना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। इस पर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले बात करते हैं कि अखिलेश और प्रियंका गांधी के बीच क्या कुछ पीछे अंदर अंदर सियासी तौर पर पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। देखिए, थोड़े दिन पहले तक बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि साहब देखिए कम से कम बाहर तो निकल रही है, हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र और मजबूत हो, कांग्रेस और मजबूत हो, अखिलेश यादव तो घर के अंदर बैठे हैं, इससे अच्छा तो प्रियंका गांधी है जो सड़कों पर निकल रही है। अब इस मसले पर बीजेपी नेताओं ने या तो चुप्पी साध ली है या अब उनके सीधे निशाने पर अखिलेश यादव आ गए हैं, कांग्रेस को की बात करना, कांग्रेस को चर्चा में लाने की कोशिश करना उन्होंने छोड़ दिया। तो बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है, बीजेपी कोई भी काम बिना कारण नहीं करती, एक सवाल ये उठता है। एबीपी और सी वोटर का जो सर्वे है वो ये कहता है कि आज की तारीख में यानी नवंबर में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस को 8.9% वोट मिल सकता है और सीटें मिल सकती हैं 10। आप कहेंगे 9% वोट 10 सीटें, क्या औकात क्या दिशा, बिल्कुल सही। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में 6.3% वोट मिला था और 7 सीटें मिली थी। आप कहेंगे बहुत ज्यादा फर्क इस रूप में है कि सितंबर 2021 में जब सी वोटर का पहला सर्वे आया तो कांग्रेस को 5% वोट मिला, अब वोट करीब करीब 2 महीने में दुगना हो रहा है, 5% से 8.9 यानी 9% हो रहा है। पहले 5.1% था, फिर अक्टूबर में 5.6% हुआ और उसके बाद फिर सीधा करीब करीब 2.25% का उछाल आया और अब 8.9। तो ये क्या बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी उतनी नहीं है जितनी अखिलेश यादव के लिए एक स्वागत योग्य कदम है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सी वोटर का सर्वे कहता है कि 75% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो या तो बीजेपी को वोट देंगे या फिर समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, कोई तीसरा नहीं। यानी जब दो दलों के बीच में चुनाव हो रहा हो तो 1%, 1.25%, 1.5% वोट बड़ा महत्व रखता है। बिहार में 0.7% वोट ज्यादा पाकर नीतीश कुमार यानी एनडीए का गठबंधन जीता था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी से पॉइंट समथिंग वोट ज्यादा मिला था, या शायद बीजेपी को ही पॉइंट समथिंग वोट ज्यादा मिला था, लेकिन सीटें 7-8 कम आई थी। तो इतना कड़ा मुकाबला होता है जब दो दल बड़े दल मिलकर आपस में चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए कांग्रेस का क्या नहीं, कांग्रेस तीन जगह हमलावर है। एक उसका निशाना ब्राह्मण वोटरों पर है जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, दूसरे उसके निशाने पर गैर जाटव दलित हैं जो बड़ी संख्या में या तो बीजेपी को वोट देते आए हैं या फिर ऐसे वोटर हैं जो समाजवादी पार्टी को तो कम से कम वोट नहीं देते, तीसरा बीजेपी का जो महिला वोट बैंक पे बहुत ज्यादा असर है, तमाम तरह की
उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका असर का कुछ तोड़ निकालने के लिए प्रियंका गांधी ने बड़ा पासा फेंका था 40% टिकट महिलाओं को देने का, एक बात। दूसरा, एक सर्वे कहता है कि, चलिए सर्वे की बात बाद में, पहले एक लाइन आपको बता दूं, ये महिला वोट भी, जो वोटर है ये भी, इसका झुकाव या तो बीजेपी की तरफ रहता है, फिर थोड़ा बहुत जो बच गया तो मायावती की तरफ, फिर कांग्रेस की तरफ, लेकिन समाजवादी पार्टी से थोड़ा उलूफ रहती है महिलाएं, पता नहीं। महिला मोर्चा भी बकायदा अभी हाल में उनका बना है उसके बावजूद। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जिन तीन मोर्चों पर प्रियंका गांधी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, सियासी लड़ाई लड़ रही हैं, उससे बीजेपी को ही नुकसान होता दिख रहा है। अगर ब्राह्मण वोट छिटका तो बीजेपी का ही नुकसान, महिला वोट और दलित वोट तो इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा, ये बात है। और इससे अखिलेश यादव के खेमे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अखिलेश यादव के खेमे पर तब फर्क पड़ेगा जब मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, और प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, कांग्रेस कोई भी ऐसा कदम अभी तक नहीं उठाया है जिससे ऐसा लगे कि वो मुस्लिम वोटों में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो भी चाहते हैं कि सारा मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की तरफ चला जाए। अब बीजेपी ने लव जिहाद की बात करना बंद कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जाती है, जो कुछ दिन पहले मेरी चर्चा भी हो रही थी एक दो लोगों से, जिनका नाम अभी मैं नहीं बताना चाहता, तो उन्होंने कहा कि एक स्टडी आई है, ये स्टडी ये बताती है कि 20 से 35 साल आयु वर्ष की जो महिलाएं हैं उनका थोड़ा बहुत ज़्यादा जो झुकाव बीजेपी की तरफ था उसमें से वो झुकाव कुछ कम होता जा रहा है। ये झुकाव दो तीन वजह से कम होता हो गया है। एक तो कोरोना काल में ज़्यादा मुसीबत महिलाओं को ही, गृहणियों को उठानी पड़ी, फिर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सीधा असर इसका चूल्हे और चौके पर पड़ता है। फिर इस तरह की बातें, लव जिहाद, धर्मांतरण, और ख़ास तौर से लव जिहाद, जींस नहीं पहनना, कपड़े इस ढंग से पहनने, खान पान प्रतिबंध, घर से बाहर निकलना ना निकलना पाबंदी, ये सारी तमाम चीज़ें जो एक तरह से महिलाओं को के लिए कही जाती रही हैं, ख़ास तौर से लव जिहाद को लेकर, ये स्वतंत्र विचारों की जो नई पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो पसंद नहीं करती, तो इसलिए उनका झुकाव बीजेपी से थोड़ा कम हो गया है। दलितों को लगता है कि जिस उम्मीद से उन्होंने ओबीसी के साथ साथ बीजेपी को 2014 में, 2017 में, 2019 में वोट दिया, उस उम्मीदों पर उनके हिसाब से बीजेपी उतनी खरी नहीं उतरी है, लिहाजा थोड़ा झुकाव कम होता दिख रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि सी वोटर का जो लेटेस्ट सर्वे नवंबर का है वो ये बताता है कि बीजेपी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, उसका वोट प्रतिशत 0.7% ही कम हुआ है, जो बहुत बहुत कम है। हालांकि सीटें 100 से ज़्यादा सीटों पर उसका असर पड़ा है, बीजेपी 108 सीटें पिछली बार के मुकाबले कम जीतती दिख रही है, 325 के मुकाबले 117 सीटें। लिहाजा वोट परसेंटेज की बीजेपी को चिंता नहीं होनी चाहिए, चिंता ये होनी चाहिए कि भाई सीटें 100 से ज़्यादा कम हो रही हैं, वो अलग कहानी है। अब देखिए, अखिलेश और कांग्रेस के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, इसका संकेत इस रूप में भी मिलता है कि चंद्रशेखर रावण जो दलितों के नेता हैं उनके साथ कांग्रेस कोई मेल मिलाप बढ़ाने की नहीं सोच रही, एक बात। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि RLD जैन चौधरी जो अचानक टकरा गए थे प्रियंका गांधी से, तो कांग्रेस ने उस बात को कतई हवा नहीं दी, ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं की कि RLD और अखिलेश के बीच समझौता टूट रहा है या कांग्रेस और RLD के बीच समझौता हो रहा है, ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं की। प्रियंका गांधी के निशाने पर बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार, ये सब रहती है, अखिलेश पर वो कोई हमला नहीं कर रही, जैसा कि मायावती अखिलेश पर भी हमले करती हैं, कांग्रेस पर भी हमले करती हैं, लेकिन थोड़ा नरम रहती हैं सत्तारूढ़ पार्टी को लेकर। कायदे से सत्तारूढ़ पार्टी पर ज़्यादा हमले होने चाहिए, किसी भी विपक्षी पार्टी को सत्ता में आना है तो सत्तारूढ़ पार्टी को हटा के ही वो फिर सत्ता में आ सकती है, और अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के साथ थोड़ा मुलायम रुख अपनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, इसके कई सारे संकेत जाएंगे। तो कुल मिलाकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच कुछ पक रहा है, सियासी रूप से कुछ पक रहा है। वैसे भी अगर 10 सीटें भी कांग्रेस को मिलती अब आज की तारीख में दिख रही हैं, और ये बढ़ती हैं सीटें, जो स्वाभाविक है कि जो ट्रेंड बता रहा है कि सीटों में और बढ़ोतरी हो सकती है, ये सब की सब अखिलेश यादव जानते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं के काम आएंगी,
ये बात भी वो अच्छी तरह समझते हैं। और कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना संगठन बना दिया, सब कुछ तैयार कर दिया और मेहनत इस पर करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता को हमने प्रोत्साहित भी कर दिया, उत्साहित भी कर दिया है, लेकिन अगर पॉलिटिकल फ़ायदा इसका इनडायरेक्ट रूपे में अखिलेश यादव को भी मिल जाता है तो भी कोई बुराई नहीं है। कम से कम 2024 में फिर अखिलेश यादव के साथ कोई एक सम्मानजनक समझौता हो पाएगा। कुल मिलाकर अखिलेश यादव को लगता है कि साइकिल अगर विधानसभा पर पहुंचने से पहले जरा सी कुछ धक्का लगाने की जरूरत हुई तो कांग्रेस का हाथ धक्का लगा सकता है। क्या ऐसा होगा, वक्त बताएगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।